नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। बीते रोज झांसी की सीपरी बाजार थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चार अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि बीती 20 फरवरी को सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मनगर कॉलोनी लहर गेट पर निवास करने वाले दीपक अवस्थी पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार के यहाँ एक बड़ी चोरी की घटना को अज्ञात चोरों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसकी जानकारी उन्हें 27 फरवरी को बांदा से अपने घर वापस लौटने पर हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने सीपरी बाजार थाने में दर्ज कराई थी। उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने बताया कि उक्त मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस को निर्देशित किया गया था कि शीघ्र चोरी का खुलासा किया जाए। इस पर सीपरी बाजार थाना पुलिस सक्रिय थी और ITI चौराहे पर चेकिंग कर रही थी कि तभी मुखबिर से मिली सूचना पर ज्ञात हुआ कि जिस स्कॉर्पियो से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है वह यहां मौजूद है, तो पुलिस ने घेराबंदी कर अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार, चोरी के लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और अवैध असलहा तथा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों बदमाश औरैया जिले के बताए गए हैं, जिनके खिलाफ विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। लोग पकड़े गए, क्या मामला? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में थाना नवाबाद और सीपरी बाजार की संयुक्त पुलिस ने और SOG टीम ने क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में चार अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये चोरी करते थे बरामद हुई है, एक पीली धातु की चेन, पायल, बिछिया और 1,08,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि जो चोरी से जो सामान इन्होंने चोरी किया था उसको बेच करके लगभग 3.5 लाख रुपए बरामद किए थे, जिसमें से बाकी पैसे खर्च हो गए, 1,08,000 रुपए बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त बॉबी के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में विवेचना की जा रही है कि चोरी का माल कौन खरीदता था और उसके खिलाफ भी धारा 413 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसमें स्कॉर्पियो की भूमिका क्या थी सर? ये स्कॉर्पियो में भ्रमण करते हुए रेकी करते थे और चोरी करके उसमें भागने का काम करते थे, तो स्कॉर्पियो को भी उसमें जब्त किया गया। स्कॉर्पियो किसकी है? स्कॉर्पियो शिवम पांडे नाम के अभियुक्त की है और बाकी लोग उसमें बैठ करके चोरी की घटनाएँ की जाती थी। इनका आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास के संबंध में जनपद औरैया से जानकारी की जा रही है। ये शातिर चोर है, निश्चित रूप से इनका आपराधिक इतिहास होगा। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।